फिर हे दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ब्रांड न्यू वीडियो में। और गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ये वाली वीडियो है जो आप लोग अभी देख रहे हैं, सो ये मैं वापस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि जो पहली वाली वीडियो थी जो कि मैंने अपलोड किया था उसे यूट्यूब ने रिजेक्ट कर दिया था। तो इसके लिए मैं वापस से ये वीडियो रिकॉर्ड तो नहीं किया है, मेरे पास पहले से सेव थी, इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ मैंने वॉइस चेंज कर दिया है। सो मेरे को पता नहीं है किस वजह से उन लोगों ने इस वीडियो को रिजेक्ट कर दिया। मैंने कोई कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आया था मेरे ऊपर, तो इस वीडियो में ना कोई म्यूज़िक मैंने कॉपी की थी, ना कोई इंट्रो किसी का, तो पता नहीं किसकी वजह से हुआ। लेकिन यहाँ पे हम लोग आज के वीडियो में हम थोड़े गेम्स खेलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट टास्क ले लिया, जिसमें कि हमारा किंग बिना यूज़ करना है हम लोगों को। हाँ, और एक कुछ खबरें बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि हमारा किंग हो चुका है लेवल 5 और लेवल 6 से 10 तक होगा लेवल टाउन हॉल 8 में। सो अब देखते हैं क्या होगा आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम लोग सब मैक्स हो चुका है, चलिए इसमें हीलर अनलॉक कर देते हैं। सिर्फ एक ये चीज़ बची हुई है, और एलेक्जा कलेक्टर्स और गोल्ड माइन और एलेक्जा कलेक्टर्स, बस यही चीज़ बची हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। सो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देरी ना करते हुए पहले अटैक कर लेते हैं एक। सो जब भी मेरा बेस होता है तो मेरे को कैसा बेस मिल चुका है हम लोगों को, इतना मस्त। तो पूरा खड़े खड़े टांग उठा के गाइस इसके ऊपर मारते हैं, तो तगड़ा लूट भी मिला है, लेकिन मुझे लगता है कुछ तगड़ा तो निकलेगा इसके अंदर से। सो ये लाइव वीडियो है गाइस, मेरे को पता नहीं है कि कुछ भी निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन हालांकि इसमें इतने सारे लूट है, लेकिन मेरे को शक हो रहा है कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, क्योंकि ऐसा कभी ना हो कि इतने सारे लूट हैं और कुछ ना निकले। तो इसका पहले सीसी, अरे इसकी माँ की आँख साला, जो हम लोगों को लग रहा था वही सच हो गया। तो यहाँ पे निकल चुका है एक ड्रैगन, वो भी लेवल मैक्स वाला। तो चलिए देखते हैं, और एक हील ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पे हमारे सेफ्टी के लिए। तो हम लोगों को किंग तो नहीं यूज़ करना है, तो मेरे को लग रहा है इसके ऊपर 2 स्टार तो हम ले ही लेंगे। अरे इसकी क्या क्या होते रहता है हमारे साथ, एक तो मेरा वीडियो डिलीट कर दिया, एक तो दिमाग ख़राब हो गया, एक तो इस सीसी से भी निकल आया साला भोसड़ी का। यही नहीं होना चाहिए, हमेशा यही होता है हमारे साथ। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने ले लिया है पूरे 2 स्टार, अब देखना है क्या होता है। तो यहाँ पे 2 स्टार तो हम लोगों ने ले लिया है, इसके बेस के ऊपर हमारा पूरा 3 स्टार था। तो डोनेशन निकल आया गया जिसमें में से भिखारी साला बेस की वजह से। लेकिन चलिए, हम लोग को जितना लूट चाहिए था हम लोगों ने लूट लिया है। चलिए एंड बैटल दबाते हैं, और रिटर्न होम पेरस कर दिया है, और वाओ स्टार बोनस भी मिल चुका है। सो उसी में भी हम लोगों को 1 स्टार और लेना है। तो चलिए पहले ट्रूप को ट्रेन कर लेते हैं। अरे सारे ट्रूप भी ट्रेन नहीं है, तो चलिए पहले हम लोग जेम्स को अब यूज़ करना पड़ेगा। सो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए जेम्स और सब ये सब यूज़ करता हूँ, तो मेरे जेम्स भी कम होते हैं मुझे पता है, लेकिन आप सभी को जेम्स कितने प्यारे होते हैं आपके बेस में। तो इसके लिए बोल रहा हूँ गाइस, मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को भी अपना चैनल को ग्रो करवाना है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि मेरा भी थोड़ा चैनल ग्रो हो जाए, और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आता रहूँगा। सो प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और कुछ भी नहीं कहना है मेरे को। तो यहाँ पे हम लोगों को और एक अच्छा सा बेस मिल चुका है, जिसके ऊपर हम लोग कर सकते हैं अटैक। तो कहाँ से करें, चलिए स्टार्टिंग यहीं से ठोक देते हैं सारे जायंट्स, फिर जाएंगे हमारी दोनों हीलर, क्योंकि इसका एयर डिफेंस थोड़ा दूर में है। तो अब जाएंगे वॉल ब्रेकर्स के बाद हमारे विजर्ड्स, तो विजर्ड्स भी फैला दिए हम लोगों ने। तो इसके ऊपर लूट काफ़ी सारा है, हमको लेना बस 1 स्टार है, तो इसीलिए मैंने इस बेस के ऊपर अटैक किया है। सो चलिए, यहाँ पे बॉम्ब टावर थोड़ा नुकसान करेगा हमारा, तो बॉम्ब टावर कुछ ना, हाँ ये अच्छी बात हुई, हमारी हीलर्स पीछे सपोर्ट करे तो हमें कोई डर नहीं है। और यहाँ पे हम लोगों ने अपना रेंज ड्रॉप कर दिया, पहला हील भी ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। थोड़ा आगे जाओ। तो यहाँ पे हम लोगों ने हमारा पहला हील स्पेल ड्रॉप कर दिया है, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। और थोड़े और चैलेंजेस लेंगे हम इस बेस में। सो थंबनेल
और टाइटल आप लोगों को कैसा लगा। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, बस मेरे को इतना ही कहना है। शेयर, लाइक, कमेंट ये सब कुछ कीजिए, मेरे को भी पसंद आएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता भी हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कैसा भी है, अच्छा है कि इम्प्रूव करना है, कुछ भी करना है, आप सब मेरे को बिना हिचकिचाए बोल सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। और आप सब डरेंगे भी क्यों, सही बात है ना। तो इस बेस के ऊपर भी हम लोगों ने 60% तक ले लिया है, सो देखते हैं, और ज़्यादा तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन चलिए लेते हैं हम लोग एक छोटा सा टास्क। तो चल के हमारे बेस में जाने के बाद ही हमें पता चलेगा कौन सा टास्क हम ले सकते हैं। सो हो चुका है हमारा चैलेंज कंप्लीट और हमारे टोटल स्कोर हो चुके हैं 600। तो और कौन सा लेंगे, सो ये क्या है, हाँ तो ये फायर क्रैकर्स का लेते हैं गाइस। मेरे को फायर क्रैकर्स का ठीक लग रहा है, क्योंकि थोड़ा कम भी और कुछ अच्छा मेरे को दिख नहीं रहा है, तो चलिए फायर क्रैकर्स का ही ले लेते हैं। हालांकि इसमें बहुत कम मिलेगा पॉइंट्स, लेकिन तो भी ले लेते हैं। तो फिर ये वाला भी टास्क कर देते हैं। तो हमारे पास फायर क्रैकर है, हाँ जी हाँ, लेवल 3 का है। तो अच्छा खासा बेस मिला है, चलिए पहले इस बेस के ऊपर मैं स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। तो यहाँ पे डबल कैनन के पास पहले हम 2 आर्चर्स ड्रॉप कर देते हैं, चलाइएगा, चले गए। फिर आर्चर टावर के पास भी थोड़े छोड़ देते हैं हम लोग, और फिर बाद में फायर क्रैकर्स तो पहुँच ही जाएंगे सब, उतना तो मुझे यकीन है। तो उसके आगे यकीन नहीं है, लेकिन उतना तक तो यकीन है मेरे को। तो चलिए धड़ाधड़ बेस इसका टूट रहा है, अच्छी बात है। काम करना काज का दुश्मन अनाज का, यही है सालों की, जहाँ जाना है उधर नहीं जा रहे हैं, जिसको नहीं फोड़ना है उसी को फोड़ेंगे साले। तो चलिए इसका टूट चुका है, और इसके ऊपर क्या हम और एक स्टार ले पाएंगे, जी हाँ नहीं ले पाएंगे। चलिए एंड बैटल करते हैं और देखते हैं हमारे कितने फायर क्रैकर्स टूटे, टूटा तो सिर्फ एक ही है। सो चलिए हम लोग मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, पूरे 5 स्टार करके वापस लौटते हैं। तो यहाँ पे हो चुके हैं हमारे पूरे, तो देखते हैं ये वाला अटैक हम लोग जीते हैं कि नहीं। हार गए, बहुत अच्छी बात हुई, हार गए तो अच्छा हुआ। सो चलिए हम लोग पहले एक बार अटैक कर लेते हैं, हमारे पूरे 5 स्टार हो चुके हैं। और तो ये वाला बेस थोड़ा ठीक ही मिला है, तो देखते हैं इस बेस के ऊपर क्या होगा। तो इसके ऊपर मेरे को लगता है हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा वैक्यूम बना लेते हैं ताकि हमारी आर्चर्स डायरेक्ट उन कैनन्स और फायर क्रैकर्स को ठोक सके। या तो सब कुछ प्लान के हिसाब ही हो रहा है, सब कुछ ठुक रहा है, जी हाँ बहुत अच्छी बात हुई। तो यहाँ पे सब कुछ तो हम लोगों ने तोड़ दिया है, और एक स्टार भी मिल गया, 2 स्टार मेरे को लग रहा है कन्फर्म है इस बेस के ऊपर, शायद 3 स्टार भी हो सकता है, मेरे को पता नहीं है, लेकिन 2 स्टार इज़ कन्फर्म्ड। तो यहाँ पे इसका टूट चुका है बिल्डर हॉल, तो अब देखते हैं आगे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या आपको पता है, नहीं होगा कुछ भी। तो चलिए इस बेस के ऊपर भी हम लोगों ने ले लिया है एक फायर क्रैकर, तो 49 लेवल अप हो चुका है हमारा, और कंप्लीट हो चुका है टास्क। तो यहाँ पे हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है, अब हमारे टोटल पॉइंट्स हो चुके हैं 700। तो और कौन सा इवेंट ले, तो ये 250 वाला लें, 4 मल्टीप्लेयर, तो यही ले लेते हैं हम लोग इवेंट, तो 500 मिलेगा, 500 कम थोड़ी है, तो सिर्फ 250 लेना है, और हम लोग 3 अटैक करके आराम से ले लेंगे 250% टर्न ऑन 7 के ऊपर ही अटैक कर रहे हैं। तो हमारे बेस, हमारे क्लैन में सॉरी टोटल 27 प्लेयर्स हेल्प कर रहे हैं हमारी क्लैन को पूरे रिवॉर्ड्स ओपन करने के लिए, लेकिन इस बीच कुछ कंजूस भी हैं जो सिर्फ 100 या फिर 50 पॉइंट्स बना के सारे लग्जरियस रिवॉर्ड्स पाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट हमारा कैप्टन अमेरिका है, फिर उसके बाद है, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट अकाउंट क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो उसमें जाके देखना है मुझे। और इंडियन क्लैश बाबा जो कि है मेरा सेकंड अकाउंट, उसने ले चुका है ऑप्टिकल्स हटाने का, तो उसमें ऑप्टिकल्स हटाने हैं मेरे को, अभी जाके उसमें भी हटा दूँगा। तो हम भी पहुँच जाएंगे पूरे 4000 पॉइंट्स होने के बाद,
तो गाइस बस मेरे को इतना ही कहना था दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए गाइस, हम लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और शेयर करना मत भूलिएगा, जो लोग इंटरेस्टेड है हमारे वीडियो में सिर्फ उन्हीं को शेयर कीजिएगा गाइस। तो क्लैशर्स ओनली फॉर क्लैश। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू।